अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप खेती वालों की सुबह अच्छी गुजरे और शामें भी। यहाँ पर्टिकुलर हम कोई वीडियो बनाते हैं तो पर्टिकुलर लोगों को ही बोलना पड़ता है कि ख़ास लोगों के लिए बनाया जा रहा है, खेती वालों के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए। तो उनको पॉलिटिशियंस को बोलना पड़ता है और खेती वालों को बोलना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी बातों में रहनुमाई करता हूँ। तो खेती के ताल्लुक से अहम बात आज बहुत ज़रूरी है और हिंदुस्तान में तकरीबन 70% किसान अब पढ़े लिखे हो रहे हैं, इल्म याफ्ता हो रहे हैं। नून वल कलम मा यस्तरून, हो सकता हो मेरे तहजी में गलत हो। नून वल कलम मा यस्तरून यानी अल्लाह ने इंसान को जो इल्म दिया ना वो कलम के ज़रिए दिया है। तो आपको भी इसका और उसी को तहरीर करना भी सिखाया है। तो मकसद कहने का ये है कि अल्लाह को वो खेती करने वाला बहुत पसंद है जिसके अंदर तीन बातें हों। वो अपने लिए भी फ़ायदा देगा, उसमें लोगों को भी फ़ायदा देगा। देखो, एक तो खेती आप अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, जैसे तिजारत में कपड़े में अगर दाग हो तो उसे बेचा ना जाए। अब हम इमाम अबू हनीफा का मसलक है, कपड़े में अगर दाग हो तो उसे बेचा ना जाए बल्कि उसे साफ़ करे, उसे अच्छे से बनाकर सामने पेश किया जाए। और किसी कपड़े में ये होगी मसले। और दूसरी बात ये कि अगर आपकी खेती में आपको इल्म नहीं है, बसीरत नहीं है, दूरंदेशी नहीं है और खेती करने के ताल्लुक से आप नर्म खोई का इख्तियार नहीं करते तो आप खेती नहीं कर सकते। तीन बातें हैं। तो वो तीन बातें इम्पोर्टेंट क्यों है, ये बात मैं आज आपसे कर रहा हूँ कि वो तीन बातें कौन सी अहम है और उनका क्या ताल्लुक है और क्यों वो ज़रूरी है। मेरी नज़र में भी ये तीन बातें इंतहाई ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपको तिजारत करते करते हर चीज़ का इल्म नहीं होता है, बस प्रोडक्ट आया है उसको बेच देना है। लेकिन खेती एक ऐसा मुस्तकिल काम है जिसमें इल्म ज़्यादा होना बहुत अच्छी बात है। एक किसान को इस बात का इल्म है कि मैं जो कपास बोता हूँ फिर वो मार्केट में आएगी तो उससे फ़ायदा ये होना चाहिए कि वो कितनी लागत में बन रही, कम लागत में दूसरों तक पहुँच रही अच्छी। नहीं तो कभी कभी वो ये चाहेगा कि कम लागत की कपास लोगों को पिना कर दूसरों को दे दे, होलसेल डीलरों को दे दे या मार्केटों में उतार दे। तो उसका नुकसान ये होगा कि किसी भी चीज़ को वो सिर्फ बेचने के लिए वो पैदा करेगा और उससे नुकसान आप लोगों का होगा और ख़राब क्वालिटी को भी वो पिरोना चाहेगा तो उससे भी तिजारत भी उसकी ख़राब हो रही है। उसको इल्म है, इल्म ये करे कि भाई अच्छी क्वालिटी की कपास पैदा करे, बनाए। और अच्छी क्वालिटी की कपास ब्रांडेड नहीं होती है। क्या नहीं होती? ब्रांड लेबल नहीं होती है बल्कि वो साफ़ सुथरी सरजमीन पर पैदा होती है। आजकल घर बहुत कंजस्टेड बनते हैं तो उससे इंसान की सोच तंग होती है। मैं बहुत तवील अरसे से एक बात कहता हूँ जो मुझे आज एक कॉल में हज़रत उमर की मिली है कि खुले आसमान के नीचे थोड़ा वक्त दिया करो, बैठा करो। हज़रत उमर का एक कॉल है कि खुले आसमान के नीचे बैठा करो, इससे निगाह फैलती है और जहन खुलता है और बसीरत साफ़ होती है, पाकीज़गी होती है। तो आप खुले खेत के नीचे बैठते हैं तो खुली सोच रख के करें, आपका फ़ायदा। हमको इतने मिल जा रहे ना, बस आप स्कूल के बच्चे हैं क्या जो अपना फ़ायदा देख रहे हो? आप स्कूल के बच्चे हैं क्या कि आपको आपकी मनपसंद चीज़ मिल जाए, मनपसंद ज़िंदगी मिल जाए लेकिन बदले में सब कुछ जल कर राख हो जाए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत भी दिया, इल्म भी दिया इंसान को, तो इल्म को वो इस्तेमाल करे। बसीरत 5 एकड़ खेती में इल्म कितना हो। एक जाहिल भी है आप कहते भाई हमने तो पढ़े ही नहीं कभी, तो हम पढ़े लिखे जाहिल खेती कैसे करेंगे, हमारे बाप दादा ऐसा करते थे, ये पेरते थे, ऐसा पेरेंगे वैसा। नहीं, आज एक आसान तरीका बताता हूँ आपको, बहुत ज़बरदस्त है और आप सारे किसान मेरी इस अकल पर इस बात पे हाँ कहेंगे। जी हाँ, टीवी है, चैनल्स है, उसके बाद मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, यूट्यूब है,
और सिनेमाज है, इनमें भी खैर निकाल सकते हैं आप इल्म के लिए। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको पढ़ना नहीं आता है, बोले आप उम्र हो गई है, 30 साल के खेती कर रहे हैं, मिलिट्री में से रिटायर हो गए, लग गए थे, बहादुर थे, ज़्यादा नहीं पढ़े थे फिर भी मिलिट्री में से रिटायर हुए, या फिर किसी कंपनी में से रिटायर हुए, खेती करना चाहते, इल्म नहीं है, कम वक्त है, पढ़ना नहीं है, क्योंकि उम्र होती होगी, बोले तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, कमांडिंग देखेंगे, वीडियोस की कैसेट लाइए किसानी की, खुद समझिए और कीजिए। अल इल्म सलाही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज़बरदस्त कौल है, अल इल्म सलाही, इल्म मेरा हथियार है जिससे मैं लड़ता हूँ, इल्म मेरा हथियार है जिससे बड़े से बड़ा बिल्डर भी, जाहिल भी मुझसे हार जाता है, और सारी आसानियों से हिंग लगे ना फिट करी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और दूसरी बात, मैं टहलते हुए कहना चाहूँगा, बैठ कर नहीं, या बैठ कर भी कह लूँ या टहल कर भी कह लूँ तो बात एक ही है, लेकिन मैं टहलते हुए दूसरी बात कहना पसंद करूँगा। दूसरी अहम बात यह है कि आप ये कहते हैं कि भाई जनाब बसीरत नहीं होती आप में, आपने अपनी खेती में बसीरत, इल्म और बसीरत भी ज़रूरी है, बस करना है, बाप दादा कर रहे हैं, मैंने कहा ना बसीरत बहुत ज़रूरी होती है, बसीरत मतलब दूरंदेशी। आपने इतने 3 एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ खेती बो लिए, पेर लिए, लेकिन उससे आपके सालाना खर्चे नहीं निकल पाते हैं, आपके ऊपर कर्ज बढ़ता चला जाता है, शादियों के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं कि और शादियों पे शादी, ख़ानदान बहुत बड़ा है, इसकी शादी, उसकी शादी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो मुख्तसर में भी शादी होती है, कम खर्च में शादी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह हो जाता है, जल्द हो जाता है, तो मसला ये आता है कि आपकी, आपका जो वो होती है दूरंदेशी, तो दूरंदेशी ये फसल जिसे बहुत बोई गई, फाइनली चीज़ है उसमें नरमी और रहम दिली, कि ये सब काम एक टीम वर्क करती है, कि औरतें आती हैं जो आपके घास उठा लेते हैं, फिर मर्द आते हैं, फिर बहुत से काम होते हैं जिसमें टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है, और खेती एक बहुत बड़ा काम है, इसीलिए ख़ानदानी टीम वर्क भी अच्छा होना चाहिए, आपके भाइयों से सलूक, आपकी बीवी से सलूक, बच्चों से सलूक, तो आपकी ताकत भी बनेंगे, जी हाँ, और काम करने वालों से सलूक, ये 3 बातें एक बेहतरीन किसान बनने के लिए बहुत अच्छी है मोटिवेशंस में। एक तो ज़्यादा इल्म रखने वाला बन रहा हो, आलिम बन रहा हो, दूसरे ये कि उसमें दूरंदेशी हो, लुकिंग, उसमें दूर तक देखने की सलाहियत हो, कि उसका प्रिपरेशन अच्छा हो, और तीसरे उसमें नरमखोई हो तो लोग उसके नज़दीक आएंगे, नरमखोई इंसान को नज़दीक लाती है, जो इंसान गाली देता है, दुरुस्त हो वो उससे लोग दूर जाते हैं, और जो चुप चुप भी आपको दूरियाँ दिखाए वो खुद बखुद नज़दीक भी आता है, सख्ती दिखाए उसका दिल नरम होता है। हज़रत उमर का दिल नरम था और ज़बान सख्त थी, इसीलिए लोग उनके हुकूमत के काम किए। आज के लिए इतना ही, साकिब वर्ल्ड मोटिवेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूरी दुनिया के इंसान और किसान सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखें आज खेत का नज़ारा भी अच्छा दिख रहा है माशाल्लाह, और खेतियाँ भी बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। हमने अपना ये भी लेकर आ गए हैं ना आज, क्या बोलते हैं इसको, जिससे आप देख रहे हैं माशाल्लाह अच्छी चीज़ बनाए हैं, बनाने वालों ने, अल्लाह ने भी अकल अच्छी दिया है, स्टैंडिंग मैं तो इसे लकड़ी कहूँगा, कैन, स्टैंडिंग कैन, लकड़ी एक अच्छी,